डिफरेंट इंटरप्रिटेशन ऑफ रेट्रोग्रेड प्लैनेट्स। इस शोध के द्वारा हमने यह जानने का प्रयास किया है कि वक्री ग्रहों का जातक के जीवन में होने वाली घटनाओं पर क्या प्रभाव पड़ता है। कुंडली विश्लेषण में वक्री ग्रहों के विभिन्न पहलुओं पर प्रकाश डालना ही हमारे शोध का प्रमुख बिंदु है, जो इस प्रकार है। बार बार प्रयास के बाद ही सफलता मिलना। ऐसा देखा गया है, वक्री ग्रहों के प्रभाव में जातक को कई प्रयासों के बाद ही कार्य की सिद्धि मिलती है, अर्थात कार्य सिद्धि के लिए कई प्रयास करने पड़ते हैं। जैसे लड़की की शादी के लिए कई रिश्ते देखने के बाद ही विवाह का तय होना। दूसरा पॉइंट, कार्य में विलंब या बाधा। अक्सर देखा गया है कि वक्री ग्रहों के प्रभाव से कार्य पूर्ण होने में विलंब होता है, अथवा कुछ ऐसी बाधाएं आ जाती हैं जो आपके कंट्रोल में नहीं रहती। कार्य समय पर पूरा नहीं होता है, जैसे किसी को वीजा मिलना है तो कागजी कार्यवाही में अड़चन आ जाना, वीजा मिलने में देरी, टिकट बुक हो गई लेकिन वीजा नहीं आया। तीसरा पॉइंट है, कोई पुराना रुका हुआ कार्य अचानक बन जाना। ऐसा भी देखा गया है कि ग्रहों के गोचर में वक्री होने पर कोई पुराना रुका हुआ कार्य एक्टिव हो जाता है और अचानक अधूरा कार्य बन जाता है जो सालों से रुका पड़ा था और हो नहीं रहा था। चौथा पॉइंट है हमारा, सांसारिक सफलता में बाधा नहीं। अधिकतर लोगों का विचार होता है कि वक्री ग्रह जातक के जीवन में हमेशा बाधा ही डालते हैं, काम नहीं होता है, बार बार करने पे भी काम पूरा नहीं होता है। हमारी ऑब्जर्वेशन ये है कि ऐसा सच नहीं है। वक्री ग्रह हमेशा कभी किसी के जीवन में सांसारिक सफलता अथवा भौतिक सुख सुविधाओं में बाधक नहीं होते हैं। आज के शोध में हमारे साथी ऐसे कई उदाहरण पेश करेंगे जिनमें जातक की कुंडली में कई वक्री ग्रह होने के बावजूद भी जातक ने जीवन में सफलता की ऊंचाइयां प्राप्त की और सुखपूर्वक अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। यहाँ पर एक पांचवा पॉइंट है, तकनीकी शिक्षा के लिए शुभ है। हमने अक्सर बच्चों को वक्री ग्रहों के प्रभाव में तकनीकी शिक्षा की ओर मुड़ते हुए और ज्ञानार्जन करते हुए देखा है। यहाँ पर मैं श्रद्धेय राव सर के द्वारा बताए हुए एक नियम की चर्चा करना चाहूंगा जो हमें जोशी सर ने बताया, M5MR, शॉर्ट फॉर्म में मेलेफिक रिलेटेड टू फिफ्थ हाउस, मेलेफिक रेट्रो विच रिलेटेड टू फिफ्थ हाउस। इसमें उन्होंने कहा था, यदि पाप ग्रह का पंचम भाव से संबंध बने या वक्री पाप ग्रहों का पंचम भाव से संबंध बने तो छात्र तकनीक की शिक्षा प्राप्त करता है। 6 पॉइंट, अपरंपरागत शिक्षा या व्यवसाय देने में सक्षम है। ऐसा भी हमने देखा है कि वक्री ग्रहों की दशा, अंतरदशा या गोचर में जातक द्वारा अपरंपरागत शिक्षा या व्यवसाय को अपनाया गया और उसमें सफलता भी मिली। 1 पॉइंट, एस्ट्रोनॉमी का यहाँ पर मैं सबको सामने बताना चाहता हूँ। पृथ्वी के निकट होने पर सभी बाह्य ग्रह वक्री हो जाते हैं और यदि इन्हें देखा जा सके तो अधिकतर बड़े और चमकदार प्रतीत होते हैं। इसलिए यह माना जाता है कि यह ग्रह और इनसे परावर्तित किरणें और ऊर्जा एक सामान्य गति से चलने वाले ग्रहों की तुलना में पृथ्वी और उस पर स्थित जीवों को प्रभावित करने में अधिक सक्षम होती हैं। इसके अलावा किसी भी ग्रह की शक्ति का प्रमुख स्रोत चेष्टा बल होता है, जो वक्री ग्रहों में सर्वाधिक होता है। चेष्टा बल षड बल का एक प्रमुख बल है। हमने अपनी कुंडलियां जितनी भी ऑब्जर्व की, हमने इस पे भी ध्यान दिया कि ऐसा क्या किया उसने उस वक्री ग्रहों की दशा अंतरदशा में कि उसने कुछ एक्स्ट्रा करिकुलर काम किया और उसमें काफी सफलता भी पाई। नेक्स्ट पॉइंट, स्वास्थ्य के संबंधों में ग्रहों की वक्रता को शुभ नहीं कहा जा सकता। अक्सर वक्री ग्रहों की दशा अंतरदशा और गोचर में जातक को स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों से गुजरते हुए देखा गया है। साथ ही स्वास्थ्य में ज्यादा सुधार भी देखने को नहीं मिलता है। वक्री ग्रह यदि सेकेंड हाउस, फोर्थ हाउस, फिफ्थ हाउस, सेवेंथ, नाइन्थ, टेंथ एंड इलेवेंथ हाउस में हैं तो स्वास्थ्य के लिए लाभप्रद हो जाते हैं। ऐसे ही समय पर यदि थर्ड हाउस, सिक्स्थ हाउस, एट्थ हाउस एंड ट्वेल्थ हाउस में हो तो अशुभ फल देकर रोगों को बढ़ाते हैं। अष्टम स्थित वक्री ग्रह या अष्टम भाव को दृष्ट करता हुआ वक्री ग्रह आयु में कमी का संकेत भी देता है। हमारी 15 तारीख को फिर से वर्कशॉप हो रही है, समय कम है, इस वजह से वर्कशॉप में हम राजकुमारी डायना की कुंडली को एनालिसिस करेंगे कि कैसे उसकी कम आयु में मृत्यु हो गई, जिसमें शनि और बृहस्पति वक्री होकर उसके सेकंड हाउस में बैठे हुए हैं और एट्थ हाउस को दृष्ट कर रहे हैं। अब एक और पॉइंट जो राव सर से रिलेटेड है, किसी ग्रह के गोचर में अपने से सस्तम भाव में वक्री हो जाना।
ज्यादातर देखा गया है कि अगर ग्रह एक नेटल चार्ट में किसी भाव में बैठा है और ट्रांजिट का ग्रह सप्तम भाव में आने पर उस ग्रह से सप्तम भाव में आने पर वक्री हो जाता है, तो ये राव सर का प्रिंसिपल है कि इस टाइम को या इस पर्टिकुलर मोमेंट को ऑब्जर्व करना चाहिए, क्योंकि ये काफी क्रिटिकल होता है और केयरफुल भी होना चाहिए, क्योंकि हमने अपनी कुंडलियों में कई जगह लगाया और ये पता चला कि ऐसे सिचुएशन में उस आदमी की कुंडली में कुछ ऐसा हुआ या उस आदमी की जिंदगी में कुछ ऐसा हुआ जो उस आदमी की दशा और दिशा ही बदल दी, और बहुत बार ऐसा देखा गया है। राव सर द्वारा बताए गए इस नियम को हमारे शोधकर्ताओं ने कई कुंडलियों में लगाया और आश्चर्यजनक परिणाम प्राप्त किए। इस समय में जातक के जीवन में कोई ना कोई ऐसी घटना जरूर घटी जिसने जातक के जीवन की दशा और दिशा दोनों ही बदल कर रख दी। अगला पॉइंट है हमारा, अपनी दशा और अंतर दशा में जब दशानाथ वक्री हो जाएं, तो ऐसे समय को सावधानी पूर्वक ऑब्जर्व करने की आवश्यकता होती है। कई कुंडलियों में यह भी देखा गया है कि वक्री ग्रह की दशा आरंभ होती है तो दशानाथ से संबंधित भावों के कारकत्व संबंधी अनायास ही कोई घटना हो जाती है, जैसे नौकरी में परिवर्तन या स्थान परिवर्तन। 10th पॉइंट हमारा है, वक्री ग्रह जातक को उन क्षेत्रों की बेहतर समझ और ज्ञान देते हैं जो उन राशियों द्वारा नियंत्रित होते हैं जहां वे स्थित होते हैं। उदाहरण के लिए भूतत्व राशि में अगर ग्रह स्थित है तो भौतिक स्तर की समझ बढ़ जाती है, वायु तत्व राशि में स्थित है तो बौद्धिक कार्यों की समझ बढ़ती है, जल तत्व राशि में स्थित है तो भावनात्मक पहलू पर समझ बढ़ती है, और अग्नि तत्व राशि में ग्रह स्थित है तो मनोभाव, आदर्श और मोटिवेशन बढ़ जाता है। ये सारे पॉइंट्स को लेके हमारे सभी लोगों ने अपनी अपनी कुंडली में ऑब्जर्व किया है। ये तो हमारे कोर पॉइंट थे, लेकिन इसके अलावा भी हम कुछ और काम कर रहे हैं। हमारे साथियों का जोशी सर के मार्गदर्शन में प्रश्न कुंडली पर भी वक्री ग्रहों पे शोध कार्य चल रहा है। हालांकि अभी शोध को आगे बढ़ाने में बहुत कुछ करने की आवश्यकता है, अतः समयाभाव के कारण उसकी चर्चा नहीं करेंगे। भगवान माता सरस्वती और हमारे परम पूज्य गुरु जी श्री राव सर के आशीर्वाद से आशा करते हैं कि हम जोशी सर के मार्गदर्शन में शीघ्र ही वक्री ग्रहों पर प्रश्न कुंडली का प्रभाव, उस पर भी हम अपनी एक रिसर्च प्रस्तुत करेंगे। अब आप सभी से विनती है कि हमारे सहपाठियों द्वारा तैयार की गई वक्री ग्रहों के विभिन्न व्याख्याएं पर शोध सुने और अपनी मूल्यवान टिप्पणी दें, हमें अपने शोध को और बेहतर बनाने में सहायता मिलेगी। धन्यवाद। धन्यवाद आशुतोष जी, कम शब्दों में अधिक बात कहने का गुण जो आपके पास है वो शायद सबके पास होना चाहिए। मैं संगीता जी को बुलाना चाहूंगा, वक्री ग्रह कैसे उतार चढ़ाव जीवन में कर सकते हैं। नमस्कार, एट फर्स्ट आई वुड लाइक टू थैंक आवर गुरु श्री के एन राव सर, आवर रिस्पेक्टिव टीचर्स हु हैज ऑलवेज गाइडेड अस, एंड अ स्पेशल थैंक्स टू जोशी सर हु हैज गाइडेड अस ऑन रेट्रोग्रेड प्लैनेट दैट वी आर हियर टू प्रेजेंट यू वन ऑफ माय केस। In this case, I am presenting on retrograde planet. It's a female chart, whereas in retrograde planets, Dasha, there have been repetitive events, there have been reversal of events, and transit of retro planets critically close to natal degree that has resulted in certain events. And in retro planets Dashas, there have been certain health issues to this native. So this all I am presenting through my case study. In this, most of the events have happened in Saturn Mahadasha. Saturn is second and third lord in this horoscope, posited in fifth house in retrogression, and it is also debilitated. As Uttar Kalamrit mentions, debilitated planets in retrograde motion give result of as exalted planet has come true here. So as exalted planet, it has given a lot of material success, but sad part is it has created in the same periods a lot of health issues to the native. Antar Dasha in most of the events has been of Rahu, which is posited in fourth house. Rahu in Kendras is known to work as a Yog Karaka planet and increases the significations of the house it sits. So it has resulted in multiple properties and have given bigger properties also, because Rahu increases the significations. Both these planets have created a great mix of good and bad events in her life. So I'm presenting some property events. First, she purchased a property in June 2019. Since Rahu, I already said, gives bigger events, bigger results of the houses, etc. So it has given a 1,000-yard plot. She bought it in a gated society. When she bought, Saturn was retrograde at 1 degree.
Rahu was also retrograde and Antardashanath was also retrograde. Since Saturn is retrograde here in 1 degree, it will also give result of last house, previous house. Retro planets are also known to give result of previous house, as well as if we see a Bhav Madhya Kundali, it will give result of fourth house. So in transit, Saturn was at 25 degree in Sagittarius. It was retrograde. Antardashanath, Rahu was at 24 degree in seventh house Gemini in retrograde motion. And it was expecting fourth lord, which was there in first house at that time. So all these three planets who were retrograde at that time, since this property was bought in retrograde planets, Dasha, this has shown reversal of the event. This property got sold within 8 months of the buying, like less than 1 year. She made a 40% profit on this, because it was retrograde in motion in natal chart, as well as at the time of buying the property, it has shown reversal of the event and property has been sold. Next, she bought another property. It was an office premises, which was purchased in Feb 2020. In the Dasha of again Saturn, Rahu and Jupiter, Saturn Karaka of property giving result of fourth house, Rahu is in fourth house and Jupiter is anyway fourth lord. So in transit, Lagna Lord and fourth Lord Jupiter, which is also Karesh in this case, was at 22 degree in ascendant. And Antardasha Lord Rahu was 13 degree in seventh house, making relationship with fourth Lord. It was expecting it with seventh aspect. And Saturn was in transit in second house, Capricorn, expecting fourth house in transit. Then she bought another property in September 2021. Here also Dasha was of Saturn, Rahu and Venus. Saturn, Rahu, we have already discussed. Venus here is in 10th house, expecting 4th house. So in transit, Saturn was retro and it was in Capricorn in 2nd house, again expecting 4th house. And Jupiter was in same place and expecting 4th Lord Jupiter, which was there in ascendant. So this property, since it was bought in normal, this thing, planets were not retrograde. So this is still there with the native. She's still holding this property. Then in September 2021, in the same Saturn Mahadasha, Rahu Antardasha and Venus Pitantardasha, she bought another property. It was a builder floor where she's residing on the same floor. It's in a posh locality in Delhi. So in natal chart, Rahu is in fourth house, has promised multiple and bigger properties. This has come true. It's a 300 yards builder floor. In transit, here also Saturn was in Capricorn, same place, expecting fourth house. And Jupiter was at 0 degree in Aquarius. And Rahu was 11 degree in sixth house, Taurus. It is said if fourth lord sits in ninth house, it is good for financial prosperity and also give gain of properties, which is proved in this case. Her first house, which was a residential property where she has got second now, was purchased in August 2002. Then also Mahadasha was of Jupiter, which is fourth lord here. Antardasha was of Mars, which is posited in eighth house, and also Karaka of property and Pratyantardasha of Rahu. So most of the properties here we can see is in Rahu's period or Saturn's period. These are the cases of property events, and now I'm presenting certain health issues which is faced during same dashas, and there also there has been the repetition of the events. First, she met with a road accident in December 1987 and face injuries. Her right side cheekbone got fractured. In the same event, three people got died at the same place. Dasha was Rahu, Moon and Saturn. After that, again, she got slip disc in May 2010 and she was on bed for about 4 months. The repetitive event which I want to present here is she met with another road accident on 4th Feb 2020 and injured her face badly. This was at the same place where December 1987 accident took place. Like it's a repetition of event and that too at the same place where she injured herself earlier. After this also, she got corona and she got hospitalized. It was in March 2021. She was quite serious. There were a lot of lungs, breathing issues. Oxygen level went below 80 and there was a lot of weakness. Dasha was Saturn Mahadasha, Rahu Antardasha and Venus Pratyantardasha. This is also one of the same Dasha when she has bought property. She was very critical but got saved with God's grace. Hence, it is proved that retrograde planets may give repetitive and material prosperity and also health issues with it. Thank you. Thank you so much, Ms. Kumar.
मनोज पाठक जी के जो लोग रिसर्च प्रेजेंट करेंगे प्लीज एक बार मिल लीजिए कोई भी आके एक ठीक है बकरी ग्रह पर हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं। नॉर्मली तो आज के जमाने में पति और पत्नी के बीच में कभी कुछ हो जाए ऐसा देखा नहीं जाता, लेकिन एक उदाहरण हमारे सामने भारतीय विद्या भवन में है गीता महेश्वरी जी का। उनके हस्बैंड उनको इतना सपोर्ट करते हैं, वीडियो बना रहे हैं अपनी वाइफ के लिए। तो गीता महेश्वरी जी प्लीज, सेवंथ हाउस कितना मजबूत हो सकता है ये सबसे बड़ा उदाहरण इस जोड़े के लिए है। गीता जी प्लीज। थैंक यू वेरी मच। Respected teachers and my dear friends, with the blessings of Almighty, I am attempting to analyze a horoscope having retrograde planets leading to denial of marriage. I bow down to Sri K. N. Rao sir, who established this beautiful learning platform in Bharati Vidya Bhavan, and Sri K. K. Joshi sir for his guidance on the subject matter. A retrograde planet in a horoscope is expected to give strange results or happenings relating to the house occupied or owned by it. Results may be in the form of repetitive efforts, uncertainties, failures, ups and downs, delays, hurdles, unusual turns and twists, etc. Native may also experience change in place or situation or thought process. Retrograde planets are neither good nor bad, but they are more powerful. They are said to be 3 times more powerful compared to normal planets. This is because they cross the same degree or point 3 times. Due to increased potential, they can create imbalance in natives' life. Therefore, it is said that many retrograde planets in a horoscope are not considered good, as a result may be more intense. Benefic association of retrograde planets can direct this power for constructive purpose, while malefic association can create disaster. However, it would not be wrong to admit that exceptions are always there to every rule. Results of retrograde planets can be seen in its Mahadasha, Antardasha or Pratyantardasha. Now coming to the case, this is the case of a 41-year-old unmarried woman. Highlights of the horoscope are, there are 3 retrograde planets connected with 7th house or 7th lord. These planets are 7th lord Saturn, Jupiter conjunct with 7th lord Saturn, and Mercury, which is posited in 7th house. At marriageable age, she got back-to-back dashas of planets which were either retrograde or connected with retrograde planets, and making a relationship with 7th house or 7th lord. Horoscope has exchange of retrograde planets, 7th Lord Saturn in 2nd house and 2nd Lord Mercury in 7th house. Coming to the planetary combinations responsible for affecting marital bliss in the given horoscope are, any planet in same degree conjunction with its debilitation lord is said to lose its significance. In the given case, Jupiter, the Tarak for marriage in a girl's horoscope, is in same degree conjunction with its debilitation lord Saturn. Due to this combination, Jupiter has lost its significance and thus is not considered good for marriage. This conjunction is aspected by combust Mars, making it even more difficult in giving favorable results. Aforesaid conjunction of 7th Lord Saturn with 8th Lord Jupiter is happening in 2nd house at 15 degree 13 minutes and 15 degree 36 minutes respectively. 7th Lord is also conjunct 12th Lord Moon. As per Faldipika, placement of a house lord in 6th, 8th or 12th house from itself weakens the significance of the house. In the given case, 7th Lord is in 8th house from itself. As per Faldipika, malefics in 6th, 8th and 12th house from a house or a planet weakens its significance. In the given case, there is Rahu in 6th house, afflicted moon Jupiter and Saturn in 8th house and Ketu in 12th house from the 7th house of marriage. Venus, the Karaka for marriage, is in 6th house in Rahu Ketu axis
It is aspected by 8th Lord Jupiter, which is in Kalavastha. Lagna is in Path Kartari. There is conjunction of retrograde and combust planets in 7th house. It is Sun, Mercury, and Mars. Conjunction of Sun with weak Mercury in 7th house makes one bereft of comfort from spouse, as per Saravalli. Conjunction of Sun with combust Mars in 7th house is not considered good for marriage. In Navamsa chart, both 7th and 8th lords of Rashi chart, that is Saturn retrograde and Jupiter retrograde, are conjunct in 7th house. In Navamsa chart, 7th lord Venus is debilitated in 11th house. It is aspected by Moon, Mars, and retrograde Jupiter. Venus, the significator of marriage, is weak and afflicted in both D1 and D9 chart. Lagna lord of D1 and D9, that is Sun and Mars, are conjunct in 7th house of D1. This is a weak combination for marriage. Coming to the houses which are afflicted, houses responsible for the marriage are, first house is in Path Kartari. Second house has 8th Lord Jupiter, retrograde in same degree conjunction with 7th Lord Saturn and 12th Lord Moon. Fourth house is aspected by retrograde Saturn. Seventh house has Sun conjunct to combust planets Mars and retrograde Mercury. Eighth house is aspected by 8th Lord Jupiter, 6th Lord Saturn, and 12th Lord Moon. 12th house has malefic planet Rahu. Looking at the dashas that the native got since attending the marriage age of 18 years, she got Rahu Dasha from 1998 to 2016. It is in 12th house in Cancer sign. Its dispositor Moon is conjunct with 2 retrograde planets, Saturn and Jupiter, in 2nd house. Rahu's nakshatra lord, Mercury, is retrograde and combust. Next dasha was Jupiter, retrograde from 2016 to 2032. Karak for marriage for the girl's horoscope. Is in same degree conjunction with its debilitation lord Saturn, also 7th lord. As a result, Jupiter has lost its significance. This conjunction is not good for marriage. Next dasha will be of retrograde Saturn, which also happens to be 7th lord. It will be from June 2032. To conclude, in the given case, there is significant role of afflicted retrograde planets, both in 7th house and its lord. It includes the running dashas at the time of marriage. This has resulted in hurdles and failures in the marital bliss. Thank you very much. Thank you, Geeta ma'am. Such a wonderful information you have shared to us. I request to invite Poonam Arodaji for case number 5. आदरणीय राव सर, जोशी सर, यहाँ उपस्थित सभी गुरुजन व मेरे प्रिय सहपाठियों, मैं आप सबका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। मेरा नाम पूनम अरोड़ा है। ये एक फीमेल चार्ट है जिसमें हम ये देखेंगे कि इनका इनका जो इनकी शादी को 9 साल हो गए हैं, लेकिन इनको अभी तक बच्चा नहीं हुआ है, उसके लिए हम देखेंगे। तो हमने जोशी सर के सानिध्य में वक्री ग्रहों से संबंधित शोध करने का प्रयास किया है। उसी से संबंधित कुछ तथ्य मैं कुंडली के माध्यम से प्रस्तुत करने का प्रयास कर रही हूँ। यदि वक्री ग्रहों का संबंध किसी भाव या भावेश से हो, तो उस भाव या भावेश से संबंधित फलों को मिलने में देरी हो सकती है या बार बार प्रयास के बाद सफलता मिलती है। इनका विवाह 17 जनवरी 2013 में हुआ। प्रॉमिस देख लेते हैं पहले हम। पंचमेश और अष्टमेश बुध सप्तम भाव में स्थित है। बुध शुभ ग्रह है किंतु अष्टमेश भी है। सप्तमेश सूर्य छठे भाव में नीच के मंगल के साथ अंशात्मक रूप से पीड़ित है। यह दोनों ग्रह लग्न की डिग्री के भी नजदीक है, इसलिए सप्तमेश काफी पीड़ित है। इस पर लग्नेश व द्वादशेश वक्री शनि की भी दृष्टि है व द्वितीयेश व एकादशेश वक्री बृहस्पति की भी द्वादश भाव से दृष्टि है। दो वक्री ग्रहों शनि व बृहस्पति की दृष्टि सप्तमेश सूर्य पर होने से इन्हें काफी प्रयास के बाद इनका विवाह फाइनल हुआ। वह शनि की दृष्टि जो कि द्वादशेश भी है सप्तमेश सूर्य पर होने से इनका विवाह अपने लेटिव प्लेस से दूर हुआ। ये खुद केरल में रहती हैं और दिल्ली में इनका विवाह हुआ। शनि का संबंध यदि सप्तम भाव या सप्तमेश से होने पर
कई बार देखा गया है कि स्पाउस या तो मैच्योर होता है या एज में बड़ा हो सकता है। इनके हस्बैंड इनसे 10 साल बड़े हैं। सप्तमी सूर्य नवांश में सम राशि में शुक्र से शुभ युक्त और चंद्र से शुभ दृष्ट है, किंतु मंगल व राहु से पाप कर्तरी में है। सप्तमी सूर्य व कारक शुक्र के साथ पाप कर्तरी में होना विवाह संबंधित विषयों में स्वतंत्रता की कमी को भी बताता है। इनकी शादी को 9 साल हो गए हैं, लेकिन अभी तक इनको कोई इश्यू नहीं है। अब हम उससे रिलेटेड बात करते हैं। इन्होंने 9 मार्च 2017 में IUI करवाया, 7 जनवरी 2019 में इन्होंने हिस्टेरियोस्कोपी ऑपरेशन फॉर फाइब्रॉइड्स करवाया, 11 अप्रैल 2019 में IVF कराया, 16 नवंबर 2019 में लेप्रोस्कोपी ऑपरेशन फॉर फेलोपियन ट्यूब ब्लॉकेज इन्होंने करवाया, उसके बाद दिसंबर 2019 में इन्होंने सेकंड IUI कराया एम्स में, उसके बाद जनवरी 2020 में IUI कराया थर्ड टाइम इन एम्स, और अप्रैल 2020 में सेकंड IVF कैंसिल हो गया ड्यू टू कोरोना पैंडेमिक। तो पहले हम बच्चे का प्रॉमिस देखते हैं। पंचम भाव पर कोई पाप प्रभाव नहीं है। पंचमेश बुध सप्तम भाव में है, उन पर भी कोई पाप प्रभाव नहीं है। पंचमेश बुध सप्तम भाव में है व सप्तमेश छठे भाव में नीच के मंगल से अंशात्मक रूप से पीड़ित है। यह दोनों ग्रह लग्न के अंशों के भी समान अंशों पर हैं, जिसकी वजह से पीड़ा में वृद्धि मानी जाएगी। सप्तमेश सूर्य पर वक्री शनि की भी दृष्टि है व बृहस्पति की भी दृष्टि है, यानी पंचमेश बुध का डिस्पोस्टर सूर्य छठे भाव में होकर पाप पीड़ित व पाप दृष्ट है। जातक पारिजात के अनुसार यदि पंचमेश का डिस्पोस्टर सप्तम भाव में हो व सप्तमेश छठे आठवें बारहवें भाव में होकर अंशात्मक रूप से पाप ग्रहों से युक्त या दृष्ट हो तो संतान पैदा करते समय स्त्री को भयंकर कष्ट या पीड़ा हो सकती है। तथा फल दीपिका के अनुसार यदि स्त्री जातक के पंचम सप्तम नवम भाव पीड़ित हो तो संतान प्राप्ति में कष्ट हो सकता है। इनका सप्तमेश काफी पीड़ित है व नवम भाव भी राहु केतु अक्ष पर है, शनि भी नवम भाव में स्थित है, मंगल की भी नवम भाव पर दृष्टि है। इनके चंद्र भी काफी पीड़ित हैं। संतान के लिए कारक बृहस्पति को भी देखना चाहिए। बृहस्पति वक्री नीच के होकर द्वादश भाव में स्थित है व छठे भाव स्थित मंगल व सूर्य से पीड़ित है। बृहस्पति संतान के कारक होकर काफी पीड़ित है। बृहस्पति से चतुर्थ भाव में यदि हम देखें तो राहु बृहस्पति के अंशों पर यानी 1 डिग्री के अंतर स्थित है तथा वक्री शनि की भी दृष्टि से है। बृहस्पति से चतुर्थ भाव काफी पीड़ित है तथा बृहस्पति से केंद्र में भी सभी पाप ग्रह हैं। यदि बृहस्पति से चतुर्थ भाव संतान के सुख को बताता है, फल दीपिका के अनुसार यदि किसी भाव या कारक से चौथा आठवां भाव यदि पीड़ित हो तो उस भाव या कारक से संबंधित सुख में कमी हो सकती है। सप्तमांश पे यदि हम देखें तो पंचमेश बुध राहु केतु अक्ष में है पर सूर्य मंगल द्वारा पीड़ित है। कारक बृहस्पति से भी केंद्र में पाप ग्रहों की अधिकता है। महादशानाथ शनि भी सप्तमांश में नीच के हैं। इन्होंने फर्स्ट IUI 8 मार्च 2017 को करवाया, तब दशा थी शनि में चंद्र में शुक्र। शनि लग्नेश व द्वादशेश है, राहु केतु अक्ष पर है व षष्ठेश चंद्र के साथ युति में है। मंगल की भी छठे भाव से शनि पर दृष्टि है तो महादशा काफी पीड़ित है। अंतरदशानाथ चंद्र षष्ठेश होकर नवम भाव में पीड़ित है। प्रत्यंतर दशानाथ शुक्र चतुर्थ भाव में अपनी स्वराशि में स्थित थे, किंतु उनसे छठे भाव में शनि अंशात्मक रूप से स्थित है, क्लोज डिग्री। दशा का संबंध छठे बारहवें भाव से था, जो कि ट्रीटमेंट या बीमारी को बताता है। गोचर में IUI के समय राहु केतु का लग्न में ट्रांजिट था, जन्मकालीन लग्न के अंशों पर, जो लग्न संबंधित पीड़ा जातक को पीड़ा भी बताता है। और गोचर में मंगल तीसरे भाव से राहु केतु शनि व चंद्र पर गोचर कर रहे थे। यदि पाप ग्रहों का गोचर लग्न के समान अंशों पर होना या पाप ग्रहों पर गोचर रोग को बढ़ा देता है, यदि दशा भी 6, 8, 12 भाव से संबंधित हो तो। 7 जनवरी 2019 में इन्होंने हिस्टेरियोस्कोपी ऑपरेशन कराया फाइब्रॉइड्स के लिए, तब दशा थी शनि राहु बृहस्पति। शनि महादशा के बारे में हम पहले से बता चुके हैं। अंतरदशा राहु
पर षष्ठेश चंद्रमा द्वादशेश शनि की दृष्टि थी, राहु के डिस्पोस्टर मंगल छठे भाव में नीच व अस्त अवस्था में थे, प्रत्यंतर दशानाथ बृहस्पति वक्री व नीच के होकर बारहवें भाव में मंगल व सूर्य से पीड़ित थे, व दशा का संबंध छठे बारहवें भाव मंगल शनि होने की वजह से सर्जरी को भी बताता है। ट्रांजिट में राहु केतु 6-12 एक्सिस पर थे और प्रत्यंतर दशानाथ बृहस्पति को भी पीड़ित कर रहे थे। मंगल की भी लग्न के नजदीक अंशों पर 5th हाउस पर दृष्टि थी, व लग्नेश व द्वादशेश शनि भी 5th हाउस पर उनकी भी दृष्टि थी। 11th अप्रैल 2019 में इन्होंने IVF कराया, तब दशा सेम थी शनि राहु बृहस्पति, किंतु ट्रांजिट में उसी दिन बृहस्पति वक्री हुए थे। दशा का संबंध फिर से 6-12 भाव से था, गोचर भी पंचम भाव में राहु केतु अक्ष में था, व शनि की दृष्टि एकादश भाव से पंचम भाव पर थी, पंचमेश बुध पर मंगल की दृष्टि थी, गोचर में भी पंचम भाव व पंचमेश पीड़ित थे। नवंबर 2019 में इन्होंने लेप्रोस्कोपी ऑपरेशन कराया फिलोपियन ट्यूब के लिए, ब्लॉकेज थी उसमें। उस समय भी महादशा शनि की थी, अंतरदशा राहु की ही थी, किंतु प्रत्यंतर दशा बुध की थी, बुध कुंडली के पंचमेश व अष्टमेश है। उसके बाद दिसंबर 2019 में इन्होंने सेकेंड IUI करवाया, जनवरी 2020 में इन्होंने थर्ड टाइम IUI कराया। इन सभी ट्रीटमेंट में दशा सेम थी शनि राहु बुध, जिसका संबंध 6-8-12 भाव से था, व D1 में संतान के प्रॉमिस में भी कमी थी। गोचर में भी राहु केतु शनि अपनी सेम स्थिति से पंचम भाव पंचमेश को पीड़ित कर रहे थे। इन्होंने जितना भी इलाज कराया वक्री शनि की दशा में कराया, जो कि बहुत देरी या बहुत प्रयास को बताती है। हमने जोशी सर की रिसर्च क्लास में देखा है, यदि दशा का संबंध 6-8-12 भावों से वक्री ग्रह या वक्री ग्रहों से हो, या पाप ग्रहों पर पाप ग्रहों का गोचर हो, तथा लग्न या संबंधित भाव पर पाप ग्रहों का गोचर हो, तो हेल्थ संबंधित मामलों में हानि होती है। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम। नेक्स्ट मैं बुलाना चाहूंगा गीता शर्मा जी को, और जोशी सर के लिए ये रिसर्च ग्रुप में आखिरी कैंडिडेट हैं रिसर्चर्स, के बाद मैं रिक्वेस्ट करूंगा मनोज पाठक जी के रिसर्च ग्रुप के लोगों के साथ आ जाएं। गीता शर्मा जी। नमस्कार अध्यापकगण और मेरे सहपाठियों, मैं गीता शर्मा रिसर्च क्लास की छात्रा हूँ। आज आपके सामने एक कुंडली प्रस्तुत करने जा रही हूँ, विषय है वक्री ग्रह। वक्री ग्रहों का इस जातक के जीवन पर किस क्या प्रभाव पड़ा, D1 चार्ट में गोचर और दशा इवेंट्स के साथ लगाकर देखें। ये एक मेल की कुंडली है जिसका जन्म 29/10/1970, समय 16 घंटे, स्थान दिल्ली, जन्म कुंडली में वक्री ग्रह शनि व शुक्र है, दिनांक 1/11/1984 को जातक के पिता के 1984 के दंगों में हाथों पर पेट्रोल डालकर आग लगा दी। तब जातक की कुंडली में राहु की महादशा जो स्थायी रूप से वक्री है, में शुक्र की अंतरदशा व शुक्र की ही प्रत्यंतर दशा चल रही थी, जो कि जन्म कुंडली में वक्री ग्रह है। गोचर में राहु तृतीय भाव में, शनि सूर्य व बुध अष्टम भाव में, शुक्र व केतु नवम भाव में, मंगल व बृहस्पति दशम भाव में, वह चंद्रमा एकादश भाव में गोचर कर रहे थे। गोचर में लग्न कुंडली के नवम भाव में यहाँ कुंडली का शुक्र स्थित है, जिसकी अंतदशा चल रही है, वह महादशानाथ राहु राहु केतु परिधि में है। वह अंतदशानाथ शुक्र भी नवम में जन्मकालीन शुक्र के ऊपर ही गोचर कर रहा है। राहु की महादशा चल रही है जो स्थायी रूप से वक्री है, अर्थात महादशानाथ राहु व अंतरदशानाथ शुक्र एक दूसरे को प्रभावित कर रहे हैं। वह गोचर में राहु के अंश 3° 58' हैं, जो जन्मकालीन शुक्र 0° 14' की काफी नजदीक है। वह जन्म कुंडली के नवम भाव जो पिता का भाव है को भी प्रभावित कर रहे हैं। पिता का कारक सूर्य है, जो नवम भाव में द्वादश भाव और जन्म कुंडली का अष्टम भाव भी है, में नीच का होकर स्थित है। शत्रु शनि गोचर में जिसकी डिग्री 24° 15' है, जन्मकालीन शनि जिसकी डिग्री 26° 45' से सप्तम व कुंडली के अष्टम भाव में सूर्य के ऊपर ही गोचर कर रहा है, जो जन्म कुंडली के वक्री शनि के काफी नजदीक है। वह पिता संबंधित भाव को बुरी तरह से प्रभावित कर रहा है
और यहाँ हम कह सकते हैं कि हमारा टॉपिक बकरी ग्रह है, जिसमें हमें बताया गया है कि जन्म स्थिति से सप्तम में ग्रह बकरी हो तो उसका ध्यान रखना चाहिए। अब दूसरा इवेंट है 1/12/1990 को जातक के पिता की सड़क दुर्घटना में गाय से टक्कर लग के उनके सिर पर चोट आई और उनकी मृत्यु हो गई। जातक की जन्म कुंडली में तब राहु की महादशा, मंगल की अंतर्दशा व मंगल की ही अंतर्दशा चल रही थी। गोचर में महादशा नाथ राहु एकादश भाव में व मंगल तृतीय भाव में वक्री होकर गोचर कर रहे। मंगल वक्री होकर जन्म कुंडली के सूर्य से अष्टम भाव व पिता के नवम भाव से सप्तम भाव में गोचर कर रहे हैं, जो शुभ नहीं है। यहाँ भी हम कह सकते हैं कि गोचर में वक्री मंगल तृतीय भाव से सप्तम भाव में बैठे उन ग्रहों पर दृष्टि डाल रहा है। सूर्य जो पिता का कारक है अपनी सातवीं दृष्टि उस पर डाल रहा है। अब तीसरा इवेंट हम लेते हैं 18/2/2012 को जातक की माता की सीढ़ियों से गिरकर उनके हिप की हड्डी टूट गई। जब जातक की कुंडली में वक्री शनि की महादशा में बुध की अंतर्दशा व बृहस्पति की प्रत्यंतर चल रही थी। गोचर में महादशा नाथ शनि तुला राशि में 5° 22' के हैं वह वक्री होकर जन्म कुंडली के अष्टम भाव में माता का कारक चंद्रमा जो 2° 30' का है वह चतुर्थेश बुध के ऊपर गोचर कर रहा। जन्मकालीन चंद्रमा की वह गोचर के शनि के अंश काफी समीप हैं और जातक की 7.5 की दूसरी ढैया भी चल रही है जो माता के लिए शुभ नहीं है। जन्मकालीन शनि से सप्तम भाव जो कुंडली का अष्टम भाव भी है में शनि का वक्री होकर गोचर करना परिणाम को महत्वपूर्ण दिशा प्रदान करना है। अब हम लास्ट और जातक की लास्ट इवेंट लेंगे जिसमें जातक की सड़क दुर्घटना में जातक की घुटनी हड्डी टूट गई 18/4/2013 में। तब जातक की कुंडली में वक्री शनि की महादशा में केतु की अंतर्दशा व राहु की प्रत्यंतर दशा चल रही थी। तीनों ही ग्रह वक्री। गोचर में महादशा नाथ शनि तुला राशि में 14° 56' के हैं वह वक्री होकर जन्म कुंडली के अष्टम भाव में स्वास्थ्य के कारक सूर्य जो 12° 8' का है के काफी समीप है। वह लग्नेश बृहस्पति जो जन्म कुंडली के अष्टम भाव में 20° 38' के हैं के ऊपर गोचर कर रहा है एवं लग्नेश बृहस्पति गोचर में जन्मकालीन बृहस्पति से अष्टम भाव अर्थात कुंडली के तीसरे भाव में 20° 50' पर गोचर कर रहा है जो अष्टम में स्थित बृहस्पति जो लग्नेश भी है 20° 38' में लगभग 12' के अंतराल पर है। वह जातक की 7.5 का दूसरा ढैया भी चल रही है जो जातक के लिए शुभ नहीं है। जन्मकालीन शनि से सप्तम भाव जो कुंडली का अष्टम भाव भी है में शनि का वक्री होकर गोचर करना परिणाम को महत्वपूर्ण दिशा प्रदान कर रहा है। कुंडली के अष्टम भाव पर सूर्य मंगल शनि राहु केतु का पाप प्रभाव है। वह छठे व द्वादश भाव के स्वामियों पर सूर्य मंगल शनि राहु केतु का प्रभाव है व उनके अंश भी काफी समीप है। धन्यवाद। और अंत में मैं धन्यवाद करना चाहूंगी श्री के एन राव सर और के जोशी सर का तथा बीबी फैकल्टी का जिन्होंने मुझे यहाँ बोलने का मौका दिया और आपका तहे दिल से धन्यवाद जो आपने इतने पेशेंस के साथ मुझे सुना। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम। 6, 8 और 12 हाउसेस हमारे जीवन में क्या प्रभाव ला सकते हैं अपने समय पर अंतरदशाओं में और प्रत्यंतर दशाओं में। रूलिंग प्लेनेट अगर 6, 8 और या 12 हाउस में बैठे हैं वो क्या प्रभाव दिखाते हैं। मनोज पाठक जी का रिसर्च सभी लोगों के लिए लाभकारी। सुबोध जी से निवेदन करूंगा एक बार आए और उस पर अपनी चर्चा करें प्लीज। सुबोध जी केस नंबर 1। सभी गुरुजनों एवं साथियों को प्रणाम। श्री मनोज पाठक सर के रिसर्च के अंदर हमने मिस्ट्रीज ऑफ फियर दुस्ताना हाउस 6 से 10, 12 पर रिसर्च करने की कोशिश की, जिसमें हमने जैसा कि जनरली माना जाता है इन दशा इनके लॉर्ड की दशा अंतर दशा जनरली अनइवेंटफुल टाइम देती है, जबकि हमने इसके कंट्रेडरी चार्ट को एकत्रित किया और उनको उसको दर्शाने की कोशिश की। फ्यू पॉइंट्स अबाउट आर द दशाज ऑफ द हाउसेस 6 से 12 ऑलवेज ड्रेडफुल एज द इनलाइटेंड से दैट देयर इज नो गेन विदाउट पेन विदाउट साधना यू डू नॉट गेट एनी सिद्धि। सो 6, 8 एंड 12 बिकम अवर ग्रेटेस्ट टीचर्स
who help us accept challenges and adversities. As per Vedic astrology identifies the Dusthana house 6, 8, and 12. While 6 out denotes suffering and challenges, house 8 and 12 present Moksha Sthan, which means that these suffering help us in our journey of life to cultivate detachment and attain enlightenment. रिसर्च के अंदर हम लोगों ने इनकी दशा और अंतर दशा के ब्राइट साइड पर ही फोकस करने का कोशिश किया है. ऐसे ही चार्ट एकत्रित किए हैं जिनमें 6, 8 एंड 12 की दशा अंतर दशा में अच्छे रिजल्ट मिले हैं नेटवर्क्स को. जब हम 6, 8 एंड 12 की दशा अंतर दशा पर फोकस कर रहे थे तो एक पॉइंट और निकल के आ रहा था. जनरली लॉर्ड ऑफ 6, 8, 12 आल्सो लॉर्ड ऑफ अनदर हाउस एक्सेप्ट सन एंड मून विच इज केंद्रा और टिकोना हाउस. जो हम समझ रहे थे कि 6, 8, 12 लॉर्ड होके तो ये खराब रिजल्ट मिल रहे हैं, लेकिन केंद्रा और टिकोना हाउस लॉर्ड होने के नाते प्लेनेट अच्छे रिजल्ट दे रहा है. इसके लिए हमने कुछ ऐसे चार्ट भी मिले जिनमें 6, 8, 12 के लॉर्ड किसी भी केंद्र और टिकोना हाउस के लॉर्ड नहीं थे. अब क्वेश्चन आता है कि फिर कैसे हम आइडेंटिफाई करें कि 6, 8, 12 के लॉर्ड भी अच्छा रिजल्ट देते हैं या दे सकते हैं. जिसके लिए जनरली पॉइंट मिला कि अगर 6, 8, 12 के लॉर्ड D1 में अच्छे राजयोग के साथ मौजूद हैं और कंसर्न डिविजनल चार्ट में उनकी स्थिति इंप्रूव होती जा रही है तो ये लॉर्ड भी हमें अच्छे रिजल्ट देते हैं. जिसके लिए मैं चार्ट लगाना चाहूंगा, मैं प्रेजेंट करूंगा पाइसिस लगना चार्ट. नेटिव इज 1964 पाइसिस लगना चार्ट, जुपिटर प्लेस्ड इन लगना इटसेल्फ. इनकी दो दशा के तीन इवेंट्स मैं डिस्कस करूंगा. सैटर्न महादशा एंड वीनस महादशा. दोनों प्लैनेट्स में से एक भी प्लैनेट केंद्र या त्रिकोण का लॉर्ड नहीं है. सैटर्न 11th एंड 12th हाउस लॉर्ड है, वीनस 2nd एंड 7th हाउस लॉर्ड है. सैटर्न पहली इवेंट है 13/4/81 सैटर्न वीनस. नेटिव का जन्म जुपिटर की महादशा में हुआ था. सैटर्न की महादशा बहुत अर्ली एज में 7 वर्ष की एज में ही नेटिव को मिल गई थी. सैटर्न अपने घर में 11th हाउस में एग्जाल्टेड मार्स 8th लॉर्ड एवं 6th हाउस हाउस ऑफ प्रोफेशन के साथ प्लस सन के साथ बैठे हुए हैं. वहां से 5th हाउस देख रहे हैं. 5th हाउस को तीनों प्लैनेट एस्पेक्ट कर रहे हैं. प्राइमरी एजुकेशन बहुत एवरेज थी नेटिव की, एवरेज स्कॉलर. बट ऑल ऑफ ए सडन ऑन 13/4/81 नेटिव वाज सेलेक्टेड फॉर एयरफोर्स. सिंस 11th हाउस आल्सो रिप्रेजेंट हाउस ऑफ फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर एंड सैटर्न प्लेस्ड इन ओन हाउस. वीनस प्रेजेंट इन 12th हाउस, इट प्रेजेंट ए ट्रायन लॉर्ड मून इन द 12th हाउस. अब इनकी हम पोजीशन को डिविजनल चार्ट में देखेंगे. सैटर्न इन D9 प्रेजेंट इन 7th हाउस एस्पेक्टिंग लग्ना एंड वीनस प्रेजेंट इन 10th हाउस विद लग्ना लॉर्ड जुपिटर. इन D10 सैटर्न इज अगेन प्रेजेंट इन 11th हाउस एस्पेक्टिंग लग्ना एंड वीनस प्रेजेंट इन ओन राशि इन 10th हाउस. नेक्स्ट इवेंट फॉर द नेटिव इज 15/1989 दशावाद सैटर्न एंड जुपिटर. इस समय तक नेटिव ने 8 साल के करीब सर्विस कंप्लीट कर ली थी और इस दशा में उन्होंने अपने जो नॉर्मल डिपार्टमेंटल प्रमोशन है सारे उनको मिल चुके थे. 15/1989 सैटर्न जुपिटर अगेन सैटर्न फुलफिलमेंट सिटिंग इन 11th हाउस फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर एंड जुपिटर बीइंग लग्ना लॉर्ड प्लेस्ड इन द लग्ना एंड एस्पेक्टिंग 7th हाउस. इफ वी सी दीज बोथ प्लैनेट इन D9 देन सैटर्न प्लेस्ड इन 7th हाउस एस्पेक्टिंग लग्ना एंड जुपिटर बीइंग लग्ना लॉर्ड प्लेस विद वीनस द नेचुरल कारका फॉर स्पाउस. द थर्ड इवेंट फॉर द नेटिव इज फ्रॉम द वीनस वीनस महादशा. वीनस अगेन लॉर्ड ऑफ 3rd and 8th हाउस प्लेस इन द 12th हाउस. नो लॉर्डशिप ऑफ केंद्र और त्रिकोना हाउस मीन्स वी कैन से बाय लॉर्डशिप टोटली मैलिफिक फॉर द चार्ट. ऑन 19th
in due course of the time, Native took VRS from the Air Force and he joined Nationalized Bank. On 19th May 16, he got promotion. And it was unexpected, all of sudden promotion. It was Venus, Venus Tasar. If we look at D1, Venus don't seem to be qualified such an event, not making direct connection with 10th house. But if we go further bit deeper, this Venus is present in the Nakshatra of Rahu. Rahu placed in 4th house and aspecting 10th house. Lord of Rahu is Mercury, also placed in the 10th house. If we see this Venus in 9th house, D9, Venus is present in the 10th house only. And D10, this Venus is present in 10th house in On Rasi. Thus, we can say that yes, even the Lord of 6, 8, 12 house gives good result if they are placed well in the concerned divisional chart. Thank you all for patience. Thank you so much. आज का रिसर्च जो था वो हम लोगों ने प्रेजेंट किया, तो आगे की प्रोसीडिंग जो है वो कॉन्वोकेशन का शुरू करेंगे। तो जो लोग रह गए हैं जिनको रिसर्च प्रेजेंट करना है, 15 तारीख को 29 तारीख को वर्कशॉप यहीं पर है, आप लोग अपना प्रेजेंटेशन दे सकते हैं। तो मैं निवेदन करूंगा कविता शर्मा मैडम से, प्लीज कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, और इस कार्यक्रम को सफल बनाने में तरुण जी ने जो वीडियो की सपोर्ट की है, और जो लजीज खाना आपने खाया वो धर्मनारायण शर्मा जी, उनकी मेहनत है सारी, उन लोगों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। पांच मिनट आप लोग शांति तो अभी स्टेज को सेटअप करेंगे, प्लीज अपने स्थान पर बने रहें। प्लीज प्रोजेक्टर वाले अगर हैं तो निकाल लें अपना प्रोजेक्टर टीम अपना निकाल लीजिए।